कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में खास तौर से हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। कृषि बाजार में गेहूं को लेकर इन दिनों काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गेहूं के पूरे वर्ष ऊंचे भाव पर होने से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और सभी उत्पादक राज्य में किसानों द्वारा गेहूं की बिजाई अधिक करी गई और बाजार में चौतरफा बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है। और साथ ही उत्तर भारत में पिछले दिनों लगातार बरसात होने से और कहीं कहीं रुक रुक कर बरसात होने और ओले पड़ने से, तेज आंधी आने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से गेहूं की कीमतों पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार नहीं देखा गया है। गेहूं की कीमतों में हल्की सी आप गिरावट देखकर जा सकते हैं। आवक बाजारों में बढ़ रही है, जिसकी वजह से बाजारों में गेहूं में आप को कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की मंडियों में 2050 से लेकर 2100 रुपए और बिहार की मंडियों में 2050 से लेकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल के बीच क्वालिटी के अनुसार गेहूं का दाम देखा जा रहा है। इसी रेट पर व्यापार हो रहा है और सरकार अभी खरीदारी नहीं कर रही है। और सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, MSP जो है, वो 2100 से लेकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। और आवक बढ़ने पर एक बार मंडियों में से गेहूं 100 से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल और भी घट सकता है, उस समय सरकार को पड़ते लगने लगेंगे। और दूसरी बात, सरकार द्वारा इस बार गेहूं की खरीद में क्वालिटी का समझौता करने का निर्देश दिया गया है और उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने घोषणा भी इस चीज की कर दी है। और साथ ही केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक, जो पुराना स्टॉक है, वो काफी कम बचा हुआ है, इसीलिए सरकार गेहूं की खरीद पर रुझान अधिक रखने वाली है। और जिससे संभावना ये है कि खरीदी जो होगी वो 300 से लेकर 400 लाख मीट्रिक टन के आसपास आने वाले टाइम में पहुंच जाएगी। इस बार गेहूं का जो उत्पादन है वो 110 से लेकर 130 लाख मीट्रिक टन होने के करीब बैठने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में गेहूं जो लूज में है वो 1900 से लेकर 1925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। तो इस बार आवक बढ़ने की वजह से, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कीमतों में और भी ज्यादा गिरावट आने का अनुमान है। और सरकार जैसे ही खरीदारी बाजारों में शुरू करती है गेहूं की समर्थन मूल्य पर, तो उसको देखते हुए बाजारों में आपको 100 से लेकर 200 रुपए तक की गिरावट गेहूं के बाजारों में और भी देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए और कृषि बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।